अनिका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। डॉक्टर की ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका की कमजोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और ना तो किसी लड़के ने आज तक उसे छुआ था। ऐसे में अनिका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितनी शॉक्ड अनिका थी उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो वहीं डॉक्टर के कैबिन में खड़े मानो आने वाले तूफान को भांप रहे थे। तभी डॉक्टर ने गौतम से कहा, देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त बहुत परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला लें उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। अनिका को लग रहा था कि हो ना हो डॉक्टर से जरूर कोई गलती हुई होगी, इसीलिए नर्स के सहारे खड़ी होते हुए कमजोर अनिका ने थोड़ी ताकत जुटाकर डॉक्टर को डांट दिया, ये आप क्या कह रही हैं? ये नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर कुछ बोले उसके पहले गौतम गुस्से से तिलमिलाकर अनिका के पास आए और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। इसका जवाब डॉक्टर को नहीं तुम्हें देना है बेशरम। अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बिठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराजगी जता रहे हों। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था। एक बिन बिहाई माँ बनकर इतना दुख उन्हें अनिका की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी अनिका फिलहाल कुछ भी करने के लिए फिजिकली या मेंटली सक्षम नहीं थी। उसका शरीर कार की बैक सीट पर कमजोरी के साथ साथ शर्म से मानो जम गया था। मनाली भारत का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ देश विदेश से आए टूरिस्ट्स के कारण शहर में रौनक लगी रहती है, मगर अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नजरों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। वो बस ना माखो से एक ही बात सोचे जा रही थी कि जब आज तक उसे कभी किसी लड़के ने छुआ तक नहीं तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। अनिका इसी उधेड़ बुन में थी तभी उसकी कार उसके घर के बहुत ही बड़े लेकिन पुराने और जंग लगे गेट पे एंटर होती है। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के जमाने का मकान था। कहा जाता था यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने आते थे। पुराने मगर शानदार एंटीक्स, बड़ा गार्डन और बीच में फवारा, लेकिन अच्छे से मेंटेन ना करने की वजह से पिछले कुछ सालों से थोड़ा बंजर सा लगने लगा था। गौतम ने घर में एंटर होते ही अनिका की रिपोर्ट्स को गुस्से से सोफे पर फेंका और अपने सर पे हाथ रखकर एक घुर्राते हुए शेर की तरह हॉल में इधर से उधर टहलने लगे। अनिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज अनिका को उसका शरीर रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। वैसे अनिका का वजन उसकी उम्र की लड़कियों से कम 3 गुना ज्यादा था। गोल मटोल सा चेहरा, मोटा पेट और ठुड्डी इतनी वजनदार कि अनिका की पूरी गर्दन छिप जाती। 120 किलो की अनिका की तुलना अक्सर लोग अनाज की भरी हुई बोरी से करते, लेकिन अनिका का शरीर जितना मोटा था उसकी शक्ल उतनी ही मासूम और क्यूट थी। चेहरे के दोनों तरफ एक एक रसगुल्ला लगाया हो वैसे नरम मुलायम सफेद गाल, ठंड की वजह से हमेशा लाल रहती उसकी नाक और पूरे जहां की मासूमियत को समेट कर बनाई गई हो वैसे उसकी 2 आंखें, लेकिन आज तक किसी को उसका मासूम चेहरा नहीं दिखा। दिखा था तो बस उसका शरीर, बेडोल और निराकार। बिन माँ की बच्ची अनिका को आज सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की। इसलिए अनिका ना आंखों से गौतम की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी गौतम भारी पहाड़ी आवाज में उस पर गरज पड़े। मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम जो डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई थी। डू यू नो कितने पावरफुल है वो लोग? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगराज। हमारे सारे कर्ज, पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों ने, लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी जिंदगी वापस जहन्नुम बना दी।
उनको तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उसके साथ कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। नहीं नहीं, जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारी छोटी बहन कामिनी को और तुम्हारी नई माँ मनीषा को उसके भाई के घर भेज दूंगा, लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। ये बोलते हुए गौतम अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए थे। अब उनकी आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा सुनाई दे रहा था, लेकिन गौतम के आंसू मानो करारे शब्द में बदलकर उसके मुंह से निकल रहे थे। तेरा पति कुणाल तो शादी करते ही एक घंटे के अंदर ही शहर चला गया था। अब इस प्रेगनेंसी के बारे में जब तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो भगवान जाने वो लोग क्या करेंगे। समाज में इज्जत तो उछलेगी, मगर हम फिर से उसी दलदल में फंस जाएंगे जहां से निकाल कर लाए थे वो लोग हमें। काश तुम भी अपनी माँ के साथ ही। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अनिका को कड़वे शब्द सुनने की आदत तो थी ही, मगर आज सवाल उठा था उसके चरित्र पर, उसकी पवित्रता पर। अनिका इस चक्रव्यूह से जल्द बाहर निकलना चाहती थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है अगर वो झूठ था तो फिर उसके पेट में सांस लेने को उत्सुक ही सच क्या था। अगले दिन गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे के पिछले 5 महीने की फुटेज मंगवाई और बारीकी से देखने के बाद वो ये जानकर हैरान हो गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी। ये देखकर गौतम का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया था। उसको इतना तो समझ में आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन उससे कई ज्यादा उसे ये चिंता थी कि अब डोगरा खानदान क्या करेगा। जल्दी अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की तबीयत में सुधार आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये बात रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ना सजीव सांस ले रहा था। अनिका की उम्र भले ही कच्ची हो, मगर उसके अंदर की एक माँ जल्द ही जन्म लेने को उत्सुक थी। उसकी जिंदगी में आखिरकार वो आने वाला था जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। और 4 महीने बीत चुके थे। अनिका अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता। सिर्फ वो अपने अंदर पनप रही उस नन्नी सी जान से बात करती रहती। ऐसे में एक दिन अनिका पाइप से अपने घर के बाहर के गार्डन में पानी छिड़क रही थी, तभी अचानक उसने अपने पैरों के नीचे कुछ हलचल महसूस की। वो कुछ समझ पाती उसके पहले उसके घर के मेन गेट से एक स्पोर्ट्स बाइक अंदर आई। मशीन गन से जैसे गोलियां निकलती हैं, वैसे बाइक की आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई हो। बाइक की आवाज सुनकर अनिका ने पानी का पाइप छोड़ दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया, जैसे अपने डरे हुए बच्चे को आंचल में छुपा रही हो। बाइक आकर बंगले की सीढ़ियों के पास रुकी। लेदर शूज, टाइट जीन्स, डार्क ब्लू टी शर्ट और चेहरे पर लगे पीले चश्मे के आर पार लड़के की गहरी लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थी। अनिका ने जैसे इस लड़के को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। 21 साल का कुणाल अपनी नजर अनिका पर गड़ाए हुए बड़े ही स्टाइल के साथ बाइक से उतरा और अनिका की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अनिका और कुणाल दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द शायद बर्दाश्त न कर पाए। कुणाल शादी के बाद मंडप से सीधा दिल्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अनिका उस दिन से लगभग रोज सोचती कि जिस दिन उसका सामना कुणाल से होगा उस दिन पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। आज जब कुणाल उसके सामने आ रहा था तब पता नहीं क्यों निर्दोष होने के बावजूद डर और शर्म के मारे अनिका को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। अनिका तुरंत अपने पापा को फोन लगाती है, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। कुणाल को अपनी ओर बढ़ता देख अनिका की घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वो डर के मारे बड़बड़ाने लगी। वो पापा तो नहीं है घर पे? ऐसे में कुणाल अनिका के सामने आकर एरोगेंस से खड़ा था।
वो अनिका को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सूजा हुआ चेहरा, 8 महीने की प्रेगनेंसी वाला मोटा पेट, गद्दी जैसे मोटे हाथ और पांव। प्रेगनेंसी की वजह से अनिका पहले से भी ज्यादा मोटी नजर आ रही थी। अनिका को देखकर कुणाल ने अपने होठों को दबाया और एक गहरी सांस लेकर जोर से जमीन पर थूक दिया। ये देखते ही अनिका की कमजोरी मानो अचानक से वापस आ गई हो। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, मानो जैसे उसे खुद का बोझ लग रहा हो। कुणाल गुस्से में घूरते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अनिका एक डरे सहमे मेमने की तरह घबरा कर पीछे होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुणाल के नुकीले लेदर शूज किसी भी वक्त अनिका के नंगे मुलायम पांव को कुचल देंगे। तभी मेन गेट से गौतम की कार अंदर आकर रुकी। गौतम कार से उतरकर तेज कदमों से कुणाल के पास आया, जैसे कोई सेक्रेटरी अपने बॉस के पीछे भाग रहा हो। अनिका ने अपने पापा को ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। गौतम कुणाल के पास आकर उसको कहता है, अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फोन किया कि तुम आ रहे हो, तुम्हारी कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो गई क्या? कुणाल ने गुर्रा कर कहा, पूरे 4 महीने बाद आया हूं। ऐसा बोलकर अपने दामाद को वेलकम करोगे आप? वैसे काफी कुछ बदल गया यहाँ पे। कुणाल ने अनिका के पेट की तरफ देखकर अपनी जेब से रम की बोतल निकाली और मुंह से लगा ली। वो आया तब से उसकी नजर अनिका के पेट पर ही जमी हुई थी। माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए गौतम ने कुणाल से कहा, आओ कुणाल बेटा, अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन गौतम की बात को अनसुना करते हुए और रम की घूंट लेते हुए कुणाल अनिका के पेट को घूरता रहा। गौतम को भी थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुणाल के मन की बात को भांप रहा था। इसलिए बड़े ही सहजता से गौतम ने कुणाल से कहा, देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूं। ये सुनते ही कुणाल चिल्ला उठा, जो बात तुम समझ सकते हो वो बात मेरे बुड्ढे दादाजी नहीं समझ सकते थे। जबरदस्ती इस मोटी के साथ मेरी शादी करवा दी और अब दादाजी चाहते हैं कि इसके नाजायज बच्चे को भी मैं अपना नाम दूं। एक तो इस मोटी को मेरे गले बांधकर पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं मुझसे। और फिर अनिका की ओर देखते हुए कुणाल ने कहा, एक तो इसे देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ऐसे गुनाह की सजा दी जा रही है जो मैंने किया ही ना हो। शादी के मंडप से तुरंत इसीलिए भाग गया था मैं ताकि मुझे इसके साथ एक पल भी ना रहना पड़े। बोलते बोलते कुणाल की सांसें फूलने लगी थी, जैसे कि वो महीनों से अपने अंदर भरी हुई भड़ास निकाल रहा हो। अनिका और गौतम दोनों ही कुणाल की बात सुनकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे अभी के अभी ये धरती फट जाए और दोनों बाप बेटी उसके अंदर समा जाए। कुणाल का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। अब भी कोई कसर बाकी रह गई है वैसे? उसने अनिका की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, देखो इस बेशरम लड़की को, शादी के फेरे लेते वक्त पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही थी और इतना होने के बाद भी आज मेरे सामने ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी है। क्या लगा तुझे कि मैं तेरे इस बच्चे को मेरा नाम दे दूंगा? कुणाल डोगरा का नाम, पता नहीं किस गटर का कीड़ा है। ये बोलते हुए वो गुस्से में अनिका की तरफ आगे बढ़ता है, मानो जैसे वो गुस्से में पता नहीं अनिका को क्या कर देगा। लेकिन तभी शराब की वजह से कुणाल के पैर लड़खड़ाए और वो अपना बैलेंस खो बैठा। लेकिन तुरंत गौतम ने आगे आकर कुणाल को पकड़कर संभाल लिया। अनिका कुणाल की बातें सुनकर जितना ज्यादा हर्ट थी उतनी ही ज्यादा गुस्से में भी थी। वो भले ही अपने मोटापे की वजह से ऐसी सब बातें सुनने की आदी थी, मगर अभी उसे इस बात पर कुणाल से ज्यादा खुद पर घिन आ रही थी कि कोई उसके होने वाले बच्चे को गाली दे रहा था और वो मजबूर खड़ी सुन क्यों रही थी। बच्चे का ख्याल आते ही न जाने कैसे अचानक अनिका के अंदर अजीब सी हिम्मत आ गई और बिना कुछ सोचे वो बोल पड़ी, मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर गौतम और कुणाल दोनों शॉक थे। कुणाल सोच रहा था कि कल की आई पिद्दी सी लड़की में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो मेरे यानी कुणाल डोगरा के सामने ऐसे बोले। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, गौतम ने बात को संभालते हुए कुणाल से कहा कि इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा,
मेरा यकीन करो। अपने पिता की ये बात सुनकर अनिका को ऐसा लगा जैसे किसी बड़े से ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर दे मारी हो और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हो। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांस लेना चूक गई। ठीक उसी पल में अचानक से अनिका के पेट में जोरों से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे अनिका एक झटके से अपने पीठ के बल गिर गई और ओझल होती आंखों से उसने देखा कि गौतम दौड़कर उसके पास आ रहा था। गौतम ने हड़बड़ी में फोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया था, लेकिन ये सब देखने के बावजूद कुणाल वही खड़ा बेशर्म और बेरहम बनकर रम के घूंट मार रहा था, मानो उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने धुंधली हो रही थी। उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी, मम्मी मम्मी उठो मम्मी। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी वही आवाज अनिका के कानों में गूंज रही थी, मम्मी मम्मी उठो मम्मी, प्लेन लैंड होने वाला है। फ्लाइट के बिजनेस क्लास की आरामदायक सीट पे सोई अनिका की आंखें झटके से खुली और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल कोई बुरे सपने से कम नहीं था। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। रिया ने अपना गेमिंग टैबलेट माँ के पर्स में रखते हुए बड़े प्यार से अनिका से पूछा, मॉम क्या हम मेरे डैड को ढूंढने मनाली जा रहे हैं? लेकिन अनिका ने बड़े ही सरल तरीके से उसे समझाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारी कोई डैड नहीं है। इस पर रिया जवाब देते हुए कहती है, कम ऑन मॉम, स्कूल में हमें टीचर कहती है कि हर बच्चे के माँ बाप होते हैं, अब मेरे गेमिंग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स की तरह मैं किसी दूसरी दुनिया से तो आई नहीं हूँ ना, तो ऑब्वियसली मेरे पापा भी तो होंगे ही, या किसी जादूगर ने मुझे अपनी हैट में से बाहर निकाला है। आबरा कडाबरा, रिया बाहर आ जा। रिया की ये बात पर माँ बेटी दोनों ही जोर से हंस पड़ी। अपनी हंसी पे काबू पाते हुए रिया ने दूसरा सवाल पूछा, तो क्या हम यहाँ मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले अस्पताल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अनिका के पापा की कदकाठी के एक आदमी ने उसके दोनों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी का सामना करके रिया को तो बचा लिया था, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी उसके बेटे को लेकर भाग निकला था। इस हाथापाई में अनिका को चोट भी लगी थी। चोट इतनी गहरी थी कि उसका बचना लगभग नामुमकिन था और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे अपने साथ बेंगलुरु ले आई थी, जहां अनिका का इलाज हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बड़ा हुआ उसका शरीर अब एकदम ही नॉर्मल हो चुका था। घने लंबे कमर तक के बाल, काली नोकीली आंखें, गोरे गोरे गाल विद अ परफेक्ट जॉ लाइन, गुलाब की पंखुड़ी जैसे नरम होंठ और सुराही लंबी गर्दन। शिफॉन की लाल साड़ी में अनिका की कमर ऐसी लग रही थी मानो कोई नदी समंदर से मिलने के लिए करवट ले रही हो। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पे एक नजर जरूर डालते। मासूमियत से सवाल कर रही रिया को ये नहीं पता था कि अनिका के मनाली लौटने का मुख्य कारण ये था कि पिछले 6 सालों में कुणाल के दादाजी किसी भी हालत में अनिका और कुणाल की शादी तोड़ने की मंजूरी नहीं दे रहे थे, लेकिन 6 साल बाद आखिरकार कुणाल की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो ये शादी तोड़ने के लिए राजी हो गए। मनाली वापस जाकर वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के साथ साथ अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना चाहती थी। थोड़ी देर में फ्लाइट ने लैंड किया। मनाली की जमीन पर कदम रखते ही न जाने क्यों अनिका की बाई आंख भड़कने लगी। उसे ऐसा लगा कि आगे जरूर कुछ बुरा होने वाला था। वो ये सोचकर लगेज काउंटर की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ी, जहां फ्लाइट के सभी यात्री मुस्कुराकर उसी को देखते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, मानो सब उसकी खूबसूरती में गुम होकर उसके पीछे पीछे चले आ रहे हों। अनिका थोड़ी कॉन्शियस होकर और रिया को संभालते हुए फटाफट आगे चलने लगी।
लगेज काउंटर पर से जैसे ही अनिका अपना लगेज लेने के लिए झुकी, फटाक से तीन और लोग भाग कर आए और उसका लगेज उठाकर अनिका को देने लगे, मानो सब इसी बहाने अनिका से बात करने की कोशिश करना चाहते हो। अनिका चुपचाप अपना लगेज ट्रॉली पर डालकर और रिया का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के बाहर की तरफ निकलने लगी। तभी उसके फोन पर उसके पापा गौतम का फोन आया। अनिका के फोन उठाते ही गौतम ने बिना कोई खैर खबर पूछे अनिका से कहा, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, उसके साथ सीधे घर आ जाना। यहाँ तुम्हें दो पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर्स और दूसरे वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर सोचकर आगे कहा कि खैर तुम घर आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अनिका ने भी बिना कुछ कहे फोन काट दिया। जैसा कि गौतम ने कहा था, कुणाल एयरपोर्ट के बाहर बड़ी ही बेसब्री से अनिका का वेट करते हुए खड़ा था। 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन था। डार्क ब्राउन कलर का कड़क सूट, शार्पली कटे हुए और जेल से सेट किए हुए बाल और ट्रिम की हुई दाढ़ी में कुणाल की पर्सनैलिटी तो निखर रही थी, मगर उसके तेवर अब भी वही थे, रूड और एरोगेंस से भरपूर। वो तो कनिका का इंतजार भी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द कनिका से मुक्ति चाहिए थी। कुणाल ने एक पैर जमी पर तो दूसरा पैर रेलिंग पर टिकाया हुआ था, जिसे वो कॉन्स्टेंटली हिला रहा था। एग्जिट डोर की तरफ देखते हुए कुणाल ने बड़ी ही बेसब्री से अपने ड्राइवर से कहा, आज तक इस दुनिया में किसी आदमी को डिवोर्स मिलने की इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई होगी। किसी भी कीमत पर आज ही उस मोटी से मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लूंगा। कुणाल की ड्राइवर राजू ने बीड़ी फूंकते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आज सुबह सुबह ही मैं माता के दर्शन करके निकला हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी 6 सालों पुरानी ये मनोकामना पूरी हो, आज आपके पेपर साइन हो ही जाएंगे। ये सुनकर कुणाल ने बड़े ही कटीले अंदाज में कहा, अब सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए, अनिका की कंपनी भी तो चाहिए जो उसकी मरी हुई माँ उसके नाम करके गई थी। राजू, जिसने अपने हाथ में अनिका के नाम का बोर्ड पकड़ा हुआ है, वो उस बोर्ड को सीधा करते हुए कहता है, अरे वो फैक्ट्री भी मिल जाएगी, फिक्र नॉट। तभी कुणाल के दिमाग में कुछ आता है और वो ड्राइवर से कहता है, अच्छा सुन, उसको देखते ही हमेशा मेरा मूड ऑफ हो जाता है और आज इतने अच्छे दिन पर मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उल्टा घूम के खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है? तूने भले ही उसे ना देखा हो, लेकिन तेरे हाथ में उसके नाम का बोर्ड देखकर वो तेरे पास आ ही जाएगी। कुणाल आलस लेते हुए उल्टा घूमने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसकी नजर एयरपोर्ट के दरवाजे पर पड़ी और कुछ देखकर उसकी नजर और कमर वहीं अटक गई। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा तो वो देखता ही रह गया, मानो जैसे उसने आज से पहले किसी खूबसूरत लड़की को देखा ही ना हो। उस लड़की को देखकर कुणाल के मुंह से निकल ही जाता है कि यार, इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में कभी दिखी नहीं। ड्राइवर राजू ने भी उसकी बात में हामी भरी। कुणाल बिना वक्त गवाए रेलिंग कूद कर उस लड़की की ओर दौड़ पड़ा और अचानक से वो उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था। अचानक कुणाल को अपने सामने देखकर अनिका हैरान थी। उसे एक ही पल में वो सब कुछ याद आ गया जो वो हमेशा से भूलना चाहती थी। अनिका एक पल के लिए सहम गई और उसको लगा कि कहीं पहले की तरह कुणाल फिर से उसकी इंसल्ट ना कर दे, और इसीलिए अनिका सीधा कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। और तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मिस गॉर्जिस, आप मनाली में पहली बार आई लगती हैं, क्योंकि अगर पहले आई होती तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब तक आप मेरी नजरों से अननोटिस्ड रहती। अनिका को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई कि कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। अनिका ने रिया की तरफ देखा तो वो अपने टैब में वीडियो गेम खेलने में मस्त थी, और क्योंकि उसने हेडफोन पहने थे उसे आसपास की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर अनिका को राहत मिली। अनिका कुणाल की बात को अवॉइड करते हुए वहां से साइड होकर टैक्सी को आवाज देने लगी, टैक्सी टैक्सी। अनिका नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने, लेकिन कुणाल भी हार मानने वालों में से थोड़ी था।
कुणाल ने उसकी तरफ भागकर फिर से उसका रास्ता रोक दिया। अरे अरे, टैक्सी की क्या जरूरत है, मैं अपनी गाड़ी में आपको जहां जाए छोड़ देता हूँ ना। और एक मिनट, ये नन्ही गुड़िया कौन है? ये कहते हुए उसने रिया की तरफ इशारा किया और उसके गाल पर हाथ फिराया। लेकिन रिया जब टैब पर गेम खेल रही थी तब उसे कोई डिस्टर्ब करे वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए टैब से बिना ऊपर देखे उसने अपना गाल चटक लिया। ऐसा करने में रिया के कान से हेडफोन नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिर के उसके कंधे पर आ गए थे, लेकिन अभी भी उसका ध्यान वीडियो गेम खेलने में ही था। अनिका टैक्सी ढूंढने में बिजी हो गई, लेकिन कुणाल पीछे पीछे आकर उससे एक नहीं तो दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करता रहा। ओह, समझ गया, ये आपकी छोटी बहन है ना? ये सुनकर रिया जोर जोर से हंस पड़ी। तभी कुणाल को वापस गौतम का फोन आया। कुणाल ने जैसे ही फोन उठाया गौतम ने पूछा, क्या तुम्हें अनिका दिखी? कुणाल ने बड़ा ही तीखा जवाब देते हुए कहा, ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं, जब वो गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वो ही दिखेगी, बल्कि उसके पीछे खड़े लोग भी दिखना बंद हो जाएंगे। हाँ, और वो रूडली फोन काट देता है। कुणाल की बात सुनकर अनिका को अंदाजा हो गया था कि वो पक्का उसी के बारे में बात कर रहा था। अनिका को कुणाल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे बस अब जल्दी से टैक्सी चाहिए थी। वो पूरे जोश और गुस्से के साथ जोर से चिल्लाई, टैक्सी! ये सुनकर कुणाल और ज्यादा इंप्रेस हो गया था और बड़े ही मीठे अंदाज में बोला, सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना, वैसे भी मैं जिसे लेने आया था लगता है वो आई। कुणाल डोगरा, किसी से भी मेरा नाम पूछिएगा, मेरे घर तक छोड़ जाएगा आपको। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी और विंडो के पास झुककर बड़े ही फ्लर्टियस अंदाज में कहा, अरे मिस मिस, आप नाम तो बताती जाओ। ये सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़े ही तेज और कटीली नजर से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका कुलेरिया।